अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज चूँकि मैं आपको एम्ब्रॉयडरी डे है तो मैं एम्ब्रॉयडरी के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ मकड़ी टांका। इसके लिए मैं डबल धागा ही इस्तेमाल कर रही हूँ, मल्टी कलर का आप चाहे तो एक धागे से भी बना सकती हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने इसको नीचे से लिया, नीचे से लेने के बाद ये देखें स्टार्टिंग मैंने थोड़ा सा बनाया। मैंने कहा आपको मैंने आप बता दूं, फिर मैंने इसको 6 टाइम राउंड किया, 1 2 3 4 5 6 टाइम राउंड करने के बाद मैंने इसको सर्कल में अटैच वापस नीचे ले गई। जैसे बुनियन नोट नहीं बनाते बूट टांके की तरह, ये उसी तरह का एक माचिस टांके की वेरिएशन है। इसको मैं इसी तरह ही कर रही हूँ। आप देख रही हैं मैंने ये धागा नीचे से निकाला, 1 2 3 4 5 6 टाइम मैंने इसको इसके दरमियान में कर दिया। इसको टेस्ट करना बहुत आसान है। आप चाहें तो एक 5 रुपी 5 का कॉइन ले लें, उसको राउंड करें और उसमें ये बनाना शुरू कर दें। अब ये देखें मैंने इसके सारे स्टेप बाय स्टेप सेम एक साइड से दूसरी साइड के सारे सिरे बराबर कर दिए हैं। इसके बाद अब मैं इसमें टांका करने के लिए मुझे धागा भी ज़्यादा चाहिए, तो ये थोड़ा धागा है, मैं ज़्यादा ज़रा बड़ा धागा ले रही हूँ। इसको मैं कवर कर देती हूँ। इसको आप पीछे से थोड़ा सा छोटा सा टांका लें, इस टांके के अंदर इसको कवर कर दें, 2-3 बार इसको धागे को कवर कर। ये देखिए पीछे से ऐसे बनेगा और आगे से इसके साइड पे ये देखिए किनारों पे ये जो वो नोट सी बनी हुई है, ये बूट टांके वाला ये ऐसे है सीधा ला के इसमें पहले आपने 6 टाइम उसको राउंड दिया। राउंड देने के बाद इसको उसी धागे के अंदर से गुजार दिया, फिर दूसरी तरफ धागा लेके गए, फिर आपने इसी तरह से सारा कंप्लीट कर देना। अब मैं इसकी मकड़ी टांके की फिलिंग कर रही हूँ। अब मैं इसको फिल कर रही हूँ, मैं मकड़ी टांका कर रही हूँ। आप देख सकते हैं ये देखें मैंने बिल्कुल इसी के कोने से मैं ये सुई लाई हूँ नीचे से निकाल के, और सुई को उल्टा कर लें। उल्टा करने के बाद मैं इसको इधर से ऐसे ऐसे इधर से ऐसे करके मैं इसकी फिल कर दूँगी। अब मैं एंटी क्लॉकवाइज मैं इसको नीचे से निकाला, ये देखिए ये एक राउंड हो गया, फिर दूसरे में डाला, फिर इसको ऐसे दूसरा राउंड, फिर ये देखें इस वाले में के अंदर से गुजार के दूसरी वाले से दूसरे वाले धागे से धागे के नीचे से मैं निकाल रही हूँ। ये देखें इस वाले धागे ये मैं धागा ऊपर लेके आई, अब इसके नीचे और अगले वाले धागे को के अंदर से गुजारना मैंने, ये देखें फिर ये इसके नीचे आ गया तो इसके नीचे से इसको राउंड दे के दूसरे वाले में से निकाल देना। ये देखिए शेप बन रही है, फिर ऐसे इसी तरह ही आपने एंटी क्लॉक वाइज ये करते जाना है और इसको फ्रेम को भी साथ साथ आप घुमाते जाए। जैसे मैं ये राउंड में घुमा रही बस इसको इसी तरह फिल करते जाएं।
और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये बहुत प्यारा लगेगा। इसे मकड़ी टांका कहते हैं। इसके बहुत सी वेरिएशन है, अभी मैं आपको एक वाली वेरिएशन बता रही हूँ, दूसरे तरीके से भी किया जाता है। इसके बहुत सारे डिज़ाइन हैं। इसको स्पाइडर स्टिच भी कहते हैं, या आई थिंक सो के वेब स्टिच कहते होंगे, या शायद उर्दू में इसको मकड़ी टांका कहते हैं। जैसे मकड़ी जाला बुनती है ना, इसी तरह ये करते जाएंगे हमें। इसके लिए देखें, मैं थोड़ा सा आपको दिखा रही हूँ, ये देखें, ये तकरीबन ये देखें, ये तकरीबन बना रही हूँ। अब मैं इसकी मुकम्मल फिलिंग कर दूँगी। लीजिए व्यूअर्स, मैंने इस मकड़ी टांके को कंप्लीट कर दिया है। अब मैंने इसका लास्ट जो स्टिच लेना है इसके नीचे से गुजार देना है और पीछे से मैंने इसके पक्का कर लिया है। पक्का करने के बाद लीजिए व्यूअर्स, मेरा मकड़ी टांका रेडी है। ये देखें कितना नीटली तरीके से बना है। आप चाहें तो एक धागे से भी कर सकते हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक किए, थम्स अप दें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।